वेलकम टू द अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप भी होंगे, हम भी ठीक हैं, हमारे यार नाले बहन भी ठीक है। लेकिन यार दोस्तों, आज हमारे पास एक बैड न्यूज आ गई है। पता नहीं क्यों क्या हो गया यार उसको, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा बैड न्यूज। अभी हम हमारे कबूतर खोल लेते हैं, काफ़ी देर हो गई उन्हें वो खोला नहीं है, उन्हें वो खोलते हैं और फिर दाना पानी देते हैं। और यार दोस्तों, ऊपर ना ईगल घूम रही है, पता नहीं हमारी जो स्वीटी के लिए हम गोश्त, हमारे स्वीटी के जो बच्चे थे ना, उसका एक का नाम रखा था हमने स्वीटी, तो उसके लिए हम गोश्त लाए थे, तो ईगल है उसके पीछे पागल हो गई है और गोश्त तो उसका लेने आई है। मैं अभी छुपा के आया हूँ। ये हमारी जो स्वीटी के बच्चे थे, यानी जो हमारे स्वीटी का जो बच्चों का नाम रखा था हमने स्वीटी, उनका ये गोश्त लेने आए। ये देखे कौवे भी हैं, इसने तो पकड़ा हुआ है उस, हट जाओ। ये देखे ईगल कैसे आ रही है हमारे छत के ऊपर। देखिए ये कौवा तो गोश्त छीन रही है, यहाँ पर अटैक ना करते। अभी हमें कबूतर खोल रहा, मैंने कहा था यार कबूतर नहीं खोलते, वरना यार ईगल घूम रही है, इन्होंने अटैक कर लेना। अभी मैं नहीं खोलता कबूतर, वो देखे कैसे यहाँ पर आ रही है, यही ये यहीं नज़र मार के बैठी है। वो ही देखे पास आ गई यार, दोस्तों बोला भाग जाओ भाग जाओ। ये देखा दोस्तों, देखे बिल्कुल हमारे घर के ऊपर ही ऊपर उड़ रही है। देखो कैसे हमारे घर के ऊपर फेरे मार रही है, भागो भागो। ये दोस्तों ये भगा रहा, बोलो भागो मेरे घर से भागो। हम कबूतर तो नहीं खोलते, लेकिन कबूतर आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारे सारे कबूतर से आपको मिलवा देते हैं, काफी दिनों से आपको नहीं मिलवाया। अभी एक एक आपको हमारे कबूतर दिखाते हैं यार, और मैं खोलता नहीं हूँ क्योंकि बाहर ऊपर उड़ रहे हैं, आपको दिखाई भी है, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना हमारे कबूतर पे वो अटैक करेंगे। उन्होंने पहले भी एक बार अटैक किया भी आपको अंदर से, मैं कबूतर दिखा देता हूँ हमारे। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं हमारे पास, कितने खूबसूरत। देखें यार दोस्तों, ये फाइनली अभी फुल पेयर बन गया है, सर्दियों तक ये माशाल्लाह बच्चे करेगा। ये देखें ये हमारे लकी पिजन कितने प्यारे लग रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई तो ना करो यार, लड़ाई करते हैं। देखें कितने प्यारे प्यारे पिजन हैं, वो देखे कितना प्यारे यार दोस्तों। ये जो हमारे दो कबूतर नीचे यहाँ नीचे और केज में, उनका बच्चा, उन्होंने ना एक फीमेल यार उसकी बेचारी एक्सपायर हो गया और मेल हमने सेल कर दिया क्योंकि वो बेचारा अकेला हो गया था। और ये फैंसी बच्चा अभी हमारे पास बैठा है उसका, और देखें अभी इनका जो बच्चा निकलेगा इससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकलेगा। देखना इस इनों का बेबी कितना प्यारा निकलेगा, माशाल्लाह कितना प्यारा पेड़ है। ये देखें यार दोस्तों, विजय मुझे बुला रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अभी मैं राकड़ के बाद आता हूँ और पूछता हूँ क्या। हमारी लैला मजनू भी बाज की वजह से बहुत ही डर रही है बाज से, इसलिए देखें ये भी भाग रही है यार हमारे को ना खा जाए। यार तुम इसको खा सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे को नहीं खा पाएगा। क्या हुआ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दोस्तों ये बोल रहा है मास्टर केज में चलो और चेक करते हैं कि हमारे कोकिल ने दूसरा बेबी निकाला है कि नहीं। और यार दोस्तों, उसको मैं बीज वगैरह देता हूँ, दाना देता हूँ, क्योंकि अभी इसका क्यूट सा बेबी आ गया यार, उसको भूख लगी होगी इसके क्यूट से बेबी को। अभी चलते हैं मास्टर केज के अंदर, चलो। तो अभी हम मास्टर केज के अंदर आ गए हैं, देखें हमारे सारे परिंदे खुश लगे पड़े हैं, वो देखें सारे लव बर्ड बह रहे हैं। आज पता नहीं यार, लगता है इन्होंने नहाना है इसलिए सारे लव बर्ड बाहर निकले हुए हैं। और हमारी फिंचेस भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों बच्चा देखते हैं इसका, दोस्तों देखें इस बच्चे के हल्के हल्के पर निकल रहे हैं और कुछ दिनों में फिर इसकी देखा हो जाएगा। देखें अभी कितने हल्के हल्के पर निकले हैं इन्होंने। अभी चेक करते हैं कि हमारे कॉकटेल ने दूसरे बेबी निकाले हैं कि नहीं, जब कोई खबर अच्छी दी होगी या जैसे। अभी चेक करते हैं कि हमारे दोनों कॉकटेल दबाए हैं और दोस्तों माशाल्लाह से वो वाला बेबी यार दो दिन में इतना बड़ा हो गया, वो देखिए न्यू बेबी निकल गया यार। इसके जो है अंडे के खाल है ना, ये मैं बाहर फेंक देता हूँ, वरना तो इन्होंने ना ये बच्चे इनको थोड़ा तकलीफ देंगे, इसलिए मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो देखिए अभी मैंने सारे ये शेल है सारे बाहर निकाल दिए। ये देखा दोस्तों, ये ना इन्हों को लगेंगे ना ये बच्चे को कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये हमारे क्यूट क्यूट से मुर्गी के बच्चे खा लेंगे, लेकिन कितने तेज हो गए, अभी बड़े हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हैं। देखो ब्लैक वाइट ब्लैक कलर के मुर्गे हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। देखो मुर्गे हैं, मुझे तीनों मुर्गे लग रहे हैं, और मुर्गी तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़्यादा असली प्यारी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और क्यूट क्यूट से इसके तीन बच्चे भी हैं देखें, और ये हमारी मुर्गी है तो फिर इसका अच्छे नाम रख देते हैं हमारी रानी। क्या दोस्तों माशाल्लाह हमारे कॉकटेल ने एक और गुड न्यूज़ दे दी है यार दोस्तों, लेकिन आगे ब्रेक न्यूज़ आ गई है, वो भी आपको बाद में बताता हूँ। देखें हमारे हमारे कॉकटेल ने दूसरी गुड न्यूज़ भी दे दी है दोस्तों। अभी घास आ गया, अभी बाहर चलते हैं और हमारे रेबिट्स को देते हैं।
पे भी आ गया मेष और ये आ गया दान, क्या नाम है तुम्हारा बताओ, शाम, या तो शाम भी आ गया और मेष भी आ गया, हमारा विजय भी आ गया। चलो अभी हमारे खरगोशों को घास देते हैं, चलो 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 अभी या तो घास लेके चलते हैं हमारे रैबिट्स के पास। दोस्तों मैं घास यहाँ पर रख देता हूँ और फिर हमारे खरगोश आएंगे खाने के लिए, अंदर कर देता हूँ थोड़ी सी। यह दोस्तों कहाँ चले गए हमारा खरगोश, चेक करते हैं। यार यहाँ पर तीन खरगोश है, चौथा कहाँ चला गया ये दोस्तों, चौथा पता नहीं कहाँ चला गया हमारा रैबिट्स। देखें ये दो दो ये रे, एक और है यहाँ पर, तीन है यार, चौथा पता नहीं कहाँ चला गया। अभी केजिस में ढूंढते हैं कि कहाँ गया हमारा चौथा खरगोश, में देखते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी कोई खरगोश नहीं है, अभी चेक करते हैं और भी काफ़ी केज है यहाँ पर, भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई लेला मजे तुमने हमारे जो नीचे आता है यार वो वाला खरगोश घूमे, वो चेक करते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं। इधर भी यार नहीं है, इधर में नहीं है, हाँ यार यहाँ पर भी नहीं है, क्या है यार कहाँ गया वो, मिल ही नहीं रहा यार दोस्तों, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अभी चेक करते हैं, मिनी जू में आखिरी रह गया, वहाँ पर देखते हैं कि हमारा खरगोश कहाँ गया, अभी चेक करते हैं, चलते हैं। खरगोश यार दोस्तों इस खरगोश को हमारे क्या हो गया, ओ यार दोस्तों पता नहीं क्या हो गया हमारे इस खरगोश को। देखें यार दोस्तों कल तो ये एक्टिव था, खाना खाना खा रहा था, इसको कुछ भी नहीं हुआ यार दोस्तों, आप बोलोगे ये बीमार हुआ यार, इसको कुछ भी नहीं हुआ, कल तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा, आज पता नहीं क्या हो गया, बेचारा मर गया यार, एक्सपायर हो गया, पता नहीं क्या यार, लगता है इसने कोई बेबी बेबी दिए कि कुछ हुआ है इसको यार, मेरे ख्याल से आज इसको कुछ हुआ है इसलिए एक्सपायर हुआ है। पर यार दोस्तों कल तो इतना खूब दौड़ रहा था, भैंस चल रहा था, घास भी खा रहा था यार, पानी भी पी रहा था, तो आज पता नहीं क्या हो गया इस हमारे खरगोश को, पता नहीं क्या हो गया यार दोस्तों, इसको हम बाहर लेके चलते हैं, इसको हम दफना देते हैं अभी। पता नहीं क्या हो गया मेरे खरगोश को यार दोस्तों, कितना प्यारा खरगोश था यार दोस्तों, ये वो वाला खरगोश है जो मेरे पास सबसे पहले जो यार मैंने लिया था पहले, इसको मेल वाइट कलर का, वो भी डॉग ले गया, अभी इस बेचारे को पता नहीं क्या हो गया यार, सारे खरगोश यार एक्सपायर हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। उस दिन यार जैसे मैंने इसका पैर लिया था उस दिन में यार वाइट खरगोश, उसी दिन यार वाइट खरगोश हमारा डॉग ले गया था, और आज इसको पता नहीं क्या हो गया, देखें पता नहीं क्या हो गया बेचारे को, एक्सपायर हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब ना चैनल को लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो, मेरे खरगोश क्या हो गया। मैं अपने प्यारे खरगोश को दफनाने आ गया हूँ उस जगह पे, यहाँ पर मैंने खरगोश को यार दफनाता हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, मेरा खरगोश मर गया। आप ना अच्छे लगे लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, मैं अभी अपना खरगोश दफनाता हूँ। तो देखिए मेरे खरगोश को अभी दफना रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरा खरगोश यार ये वाला एक्सपायर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।